ये कहानी जो नाम के लड़के पर आधारित है, जिसे नशे की गंदी लत लग जाती है और उसकी माँ उसकी इसी लत को छुड़ाने के लिए उसके साथ घपा घप करती है। आगे उन दोनों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस मूवी का नाम है लाल लूना और ये मूवी 1978 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है। वो अपने घर में अपनी माँ कैथरीन और सौतेले बाप दोगस के साथ रहता था, जो कि सच में दोगला था, और सब लोग साथ में लंच कर रहे थे, जो अपने सौतेले बाप से ज्यादा खुश नहीं था। और उसकी माँ कैथरीन एक सिंगर थी और जो के असली पिता इटली में एक टीचर थे। कैथरीन अपने म्यूजिक शो के लिए दोगरस के साथ इटली जाने का प्लान बनाती है, जिसपे जो भी वहाँ जाने की जिद करता है, लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है। दोगलस अपनी कार साइड कर रहा था, तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट ज्यादा तेज नहीं था, फिर भी दोगलस की मौत हो जाती है। कैथरीन आधी विधवा हो जाती है और इस बात का दुख कैथरीन के साथ साथ जो को भी था। इसके बाद कैथरीन अपना मूड ठीक करने के लिए जो को अपने साथ लेके इटली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एरियाना नाम की लड़की उसके लिए खास थी। उसके बाद जो उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ दोनों पहुँच के बकचोदी के फॉर्म भरने लग जाते हैं और वहाँ दोनों साइड में जाके लव लपाटा करने लग जाते हैं। उसके बाद जो अपनी माँ के म्यूजिक शो में जाता है, जहाँ सब लोग उसकी तारीफें कर रहे थे, जिसे देख के जो भी काफी खुश होता है और जो को अपनी माँ पे प्राउड फील होता है। कैथरीन अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और अगले दिन कैथरीन के एडवाइजर उसे बोलती है, अरे कल मुही, कल तेरे बेटे जो का बर्थडे है। जिस पर कैथरीन बोलती है कि अरे मैं तो उसे भूल ही गई थी। तभी वहाँ जो पहुँचता है और वो थोड़ा नाराज हो जाता है कि उसकी माँ उसका बर्थडे कैसे भूल जाती है। उसके बाद उसकी माँ उसे मनाती है और अगले दिन कैथरीन उसके बर्थडे पे बहुत बड़ी पार्टी देती है। वो पार्टी में काफी पी लेती है, जिसके बाद वो कंगारू डांस करने लगती है। जो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मॉम की कंगारू डांस से वो थोड़ी शर्मिंदगी फील कर रहा था, इसीलिए वो अरियाना को लेके किसी कोने में चले जाता है। कैथरीन भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ जो और एलियाना लव लपाटा कर रहे थे, जिसे देख के कैथरीन काफी खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो हम देखते हैं वो एक नशीली इंजेक्शन लगवा रहा था। उसके गुस्से में कैथरीन वॉल पे हाथ मारने लगती है और एरियाना स्लो मोशन में वहाँ से निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद कैथरीन उससे नशे के बारे में पूछती है, जिस पे जो गुस्से में सामान तोड़ने लगता है। जो को पियानो बजाना बहुत पसंद था और थोड़ी देर में कैथरीन उसे पियानो बजाने को बोलती है, और जब वो पियानो बजाने लगता है तब कैथरीन उसके हाथ में इंजेक्शन का निशान देखने लगती है, पर जो उसे धक्का दे के उससे लड़ने लगता है। पर जब कैथरीन उसके हाथ को देखती है तो उसके हाथ में छेद नहीं बल्कि छेदी सिंह बन चुका था। उसके बाद जो घर से निकल के आवारा कुत्तों की तरह भटकने लगता है और वो शाम को घर के बाहर आके बैठ जाता है। तब कैथरीन उसके पास आती है, जिस पर जो बोलता है मुझे अपने पापा से मिलना है। जो को काफी ठंड लग रही थी, इसीलिए कैथरीन उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और कैथरीन एक डॉक्टर को बुलाती है, जिस पर डॉक्टर उसे बोलता है कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, ये ज्यादा नशे की वजह से हुआ है। कुछ समय तक इसे नशे से दूर रखो और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कैथरीन काफी सैड रहने लगती है और एक दिन वो कहीं से आ रही थी, तभी उसे अपनी गाड़ी में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मुस्तफा था, और ये वही बच्चा था जो जो को पाउडर बेचता था। घर पहुंचने के बाद वो कैथरीन से बोलता है कि जो तुम्हारे पैसे चुरा के मुझसे पाउडर खरीदता था, जिस पे कैथरीन उसे बोलती है कि तुम्हें इतनी सी उम्र में ये सारे काम नहीं करने चाहिए। जिस पर मुस्तफा बोलता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और इसके बाद मैं अपने कंट्री वापस जा रहा हूँ। वो कैथरीन को एक पुड़िया देता है और कहता है कि जो को इसकी काफी जरूरत है। वापिस आने पे कैथरीन को पता चलता है कि जो अब पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुका है, और रात में दोनों कैंडल लाइट के साथ डिनर करना शुरू कर देते हैं। पर डिनर अच्छा ना बनने की वजह से जो का मूड खराब हो जाता है, जबकि खाना जो ने खुद बनाया था, और वो गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। खुद खाना बनाकर खुद गुस्सा, कमाल है। उसके बाद कैथरीन जानबूझ के उसे वही पुड़िया देती है, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाता है। उसे लेने के लिए जो खाली इंजेक्शन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे खाली इंजेक्शन कहीं नहीं मिलता, जिसके गुस्से में वो अपना हाथ काटने लगता है। उसका हाथ देख के कैथरीन काफी डर जाती है और वो उसके हाथ पे किस करने लगती है, पर जो कैथरीन का हाथ नीचे ले जाता है, जिसके बाद कैथरीन भी उसका हिलाने लगती है। अगले दिन कैथरीन अपने म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए अपने म्यूजिक टीचर के पास जाती है, जहाँ जो भी पहुँच जाता है, जिसे देख के कैथरीन काफी खुश हो जाती है। उसके बाद कैथरीन और जो कार में बैठ के कहीं जा रहे थे, पर रेलवे फाटक पे उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है, जहाँ कैथरीन जो को बताती है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे पापा को यहीं किस किया था। और उसके बाद कैथरीन जो को भी वहीं किस करती है। कैथरीन उसे घुमा
रही थी और उसे म्यूजिक स्कूल के पास ले जाती है, पर जो को वहाँ ठीक नहीं लगता, इसलिए कैथरीन उसे दूसरी जगह घुमाने के लिए ले जाती है। पर बीच जंगल वाले रास्ते में ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। कैथरीन जैसे ही उस गाड़ी का टायर चेंज करती है तो जो उस गाड़ी को लेके वहाँ से भाग जाता है और कैथरीन भी उसके पीछे भागती रह जाती है। कुछ देर बाद कैथरीन वहाँ पे एक आदमी से हेल्प मांगती है और वो आदमी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप के पास ले जाता है, जहाँ कैथरीन को अपनी गाड़ी दिखाई देती है और कैथरीन अपने साथ उस आदमी को अंदर लेके चली जाती है और उस आदमी के साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगती है, जिससे जो के पिछवाड़े में आग लग जाए। और होता बिल्कुल ऐसा ही है, जो के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो काफी गुस्से में था तब कैथरीन उसे बताती है, मैं ये सब मजाक कर रही थी और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। उसके बाद दोनों घपाघप करने वाले थे, लेकिन जो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले दिन कैथरीन जो को अपने पिता से मिलवाने के लिए स्कूल ले जाती है, जहाँ उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, जहाँ वो बच्चों को बोलते हैं कि कल से तुम्हारी छुट्टी है। जो अपने पापा के जूते पहन लेता है और अपनी जूते वहीं छोड़ देता है, ताकि वो अगले दिन अपने जूते बदलने के लिए उनके घर जा सके। और अगले दिन जो अपने पापा के घर जाता है, उसके बाद जो अपने पिता से एक फैक्ट चेक की तरफ सवाल पूछता है कि क्या आपको पता है आपका एक बेटा भी है। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे बेटे के बारे में तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। जिस पर जो बोलता है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ और आपका बेटा यानी कि मेरा दोस्त अब मर चुका है और कल आपकी वाइफ का म्यूजिक शो है। ये सब बोल के जो वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से जाके बोलता है कि पापा बहुत अच्छे हैं। उसके बाद कैथरीन अपने म्यूजिक शो पे जो और उसके पापा को एक साथ देखती है, जहाँ कैथरीन उनसे बोलती है जो हमारा तुम्हारा हम सबका प्यारा बेटा है। जिसके बाद जो के पापा जो के पास जाते हैं और बूम एक खिंचा के चाटा लगाते हैं, पर जो को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि ये चाटा उसके बाप ने मारा था। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।